Hello everyone, welcome to Rive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ is ABO blood group in humans are controlled by the gene I. It has three alleles IA, IB and small i. Since there are three kinds or three different alleles, six different genotypes are possible. How many phenotype can occur? अब आपको छोटे छोटे टर्म्स पता होनी चाहिए जीनो क्या होता है फिनोटाइप क्या होता है ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ब्लड ग्रुप जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग में पाया जाता है उसमें इस तरह से लिखा होता है ये आई ए आई बी और स्मॉल आई ये तीन जीन है जिनमें से जो हमारे ब्लड ग्रुप ए है बी है ए बी है और ओ है ये बनते हैं राइट तो यही बोला गया है कि ये जीन है इनमें से क्या होगा कितने फिनोटाइप जो है वो पॉसिबल हैं हाउ मेनी फिनोटाइप तो यहाँ पे फिनोटिपिकली चार ब्लड ग्रुप्स जो है वो बन सकते हैं तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर टू थ्री वन ये दिया हुआ है थोड़ा सा मैं इस कंसेप्ट से आपको दो चार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि पूछे जाते हैं अलग से जैसे कि ये तीन जो जीन होते हैं ये तो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और आपको पता है कि जब भी कोई जीन होते हैं वो पेयर में आते हैं किसी इंडिविजुअल में मान लीजिए हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की तो ब्लड ग्रुप ए में ये एक तो किसी इंडिविजुअल में इस फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर ये दूसरी फॉर्म इसमें भी हो सकते हैं अब ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों सेम फॉर्म एक जैसी हैं वो होमोजाइगस कंडीशन होती है और दूसरी होती है हिटरोजाइगस कंडीशन अब यहाँ से पूछे जाते हैं एमसीक्यू मैं कंसेप्ट बता देती हूँ फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि इन जीन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो ब्लड ग्रुप ए के लिए हिटरो और होमोजाइगस कंडीशन इस तरह की होती है ब्लड ग्रुप बी के लिए भी एग्जैक्टली सेम वैसे ही आई बी ये होमोजाइगस कंडीशन और अगर दूसरी कंडीशन होगी तो ये हिटरोजाइगस होगी अब बात करते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप तो ए बी ब्लड ग्रुप हमेशा ही हिट्रोजाइगस कंडीशन में होता है यही एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है ठीक है कोई दूसरी फॉर्म नहीं है और दोनों ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है किसका दैट इज़ कोडोमिनेंस जो हम पढ़ते हैं किसमें जेनेटिक्स में, Genetics में. स्टूडेंट्स को डोमिनेंस में क्या है दोनों ही जो जीन होते हैं वो अपना अफेक्ट शो करते हैं इसमें डोमिनेंट रिसेसिव वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है अब है आ आपके पास ब्लड ग्रुप ओ तो इसके लिए स्मॉल आई स्मॉल आई यही एक जो है वो होमोजाइगस कंडीशन होती है जिसमें ब्लड ग्रुप ओ बनता है अब एक क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से यह भी आता है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है यूनिवर्सल डोनर हम कॉमनली कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ है बट आपको याद रखना है ओ नेगेटिव है और जो रिसीव कर सकता है सबसे वो ए बी ब्लड ग्रुप लेकिन ए बी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम जो लिखते हैं ये क्यों लिखते हैं हम आगे एम सी क्यू में करवाऊंगी एक दो एम सी क्यू के बाद तब आपको समझ में आएगा कि हम ए बी पॉजिटिव क्यों बोलते हैं ए बी नेगेटिव क्यों बोलते हैं और क्यों ओ नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर है ओ पॉजिटिव क्यों नहीं है ये भी मैं आपको समझाऊंगी ये कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए आपके एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि पेरेंट हैं फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का भी ब्लड ग्रुप ए है तो बताइए कि वट विल बी द प्रोबिलिटी इन ऑफ स्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन में क्या प्रॉबिबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप की तो देखिए दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो हमें नहीं बताया हुआ है कि होमोजाइगस है या हिट्रोजाइगस है तो ये इस कंडीशन में भी हो सकता है और ये इस कंडीशन में भी हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो यहाँ पे ये कंडीशन आगे बनेगी होमोजाइगस कंडीशन और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है यहाँ पे अगर दोनों ही पेरेंट्स ठीक है एक कंडीशन में तो ये है कि ब्लड ग्रुप ए बन रहा है तो ये तो हमें पता चल गया अब मान लो दोनों ही पेरेंट फादर का ब्लड ग्रुप भी होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप भी होमोजाइगस सॉरी हिट्रो डिफरेंट ठीक है होमोजाइगस ने पहले हमने होमोजाइगस में देखा ए ब्लड ग्रुप बनना है अभी हिट्रोजाइगस अब हिट्रोजाइगस में अगर मान लो मदर से स्मॉल आई फादर से भी स्मॉल आई आता है तो ब्लड ग्रुप ओ भी पॉसिबल है तो ठीक है अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी ब्लड ग्रुप ए में तो ए ब्लड ग्रुप ही बनेगा और अगर हिट्रोजाइगस कंडीशन बोला हुआ है तो स्टूडेंट ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है ठीक है अलील से हमने देखा मैं दोबारा ये बता देती हूँ देखो इस तरह से तो ये दो जीन आए तो हिट्रोजाइगस कंडीशन में भी ये आगे इंडिविजुअल में होमोजाइगस कंडीशन होगी ब्लड ग्रुप ए बन गया और यहाँ से ब्लड ग्रुप ओ बन गया तो इस तरह के क्वेश्चन भी ब्लड ग्रुप से आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ब्लड ग्रुप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट right? अब देखिए स्टूडेंट अगला हमारा जो एमसीक्यू रहेगा वो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यू ब्लड रिलेटेड टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हम यहाँ पे अगला हम जो डब्ल्यू का कंसेप्ट है वहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम अगले एम में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग